मेरे पीछे चार्ट बना हुआ देख रहे हैं? ठीक हाँ जी सर है, जी। इस एरिया हमारा फर्स्ट हाउस होता है, यही हमारा लग्न होता है, इसे इंग्लिश में एसेंडेंट कहते हैं। ठीक है, तो ये आपका जो है लग्न हो गया, एसेंडेंट हो गया, और जो पूरी जो कुंडली देखी जाती है वो इसके अकॉर्डिंग ही देखी जाती है। आमतौर पे आपने सुना होगा साइन के अकॉर्डिंग देखते हैं या साइन के विषय में, राशि के विषय में ज्यादा बताते हैं, लेकिन जो कुंडली का एक्चुअल परिणाम मिलता है आपको वास्तविक तौर पर, वो आपको फर्स्ट हाउस से ही मिलता है। तो यहाँ पर आप जितना अच्छी तरीके से इसको स्टडी करेंगे, उतना ही अच्छा तरीके से आप रिजल्ट निकाल सकते हैं। ये कुंडली का सेकेंड हाउस होता है, ये थर्ड हाउस होता है, ये फोर्थ हाउस सर होता बोर्ड है। प्रॉपर नजर नहीं आ रहा है सर, हमें भी नहीं दिख रहा है बोर्ड जो है वो, वहां पे एक पिक्चर्स वाला लोगो सामने आ रहा है। नहीं सर, बोर्ड आपसे आप लिखते नजर आ रहे हो, पर आप क्या लिख रहे हैं वो कैमरा सेटिंग वहां पे नहीं है बोर्ड के ऊपर। हाँ, कैमरे की सेटिंग नहीं है। बोर्ड के ऊपर सेटिंग नहीं है सर, व्हाइट बोर्ड आपके लेफ्ट में जो व्हाइट बोर्ड ब्लैंक है ना, वो हमें नजर आ रहा है, जो आपने चार्ट बनाया है वो नजर नहीं आ रहा है। सर थोड़ा सा चार्ट को मिडिल में बना दीजिए। मैं शेयर ही कर देता हूँ, स्क्रीन शेयर से दिखा देता हूँ, तो उसमें और ज्यादा क्लियर हो हाँ, जाएगा। ठीक है, वो बेस्ट। क्लियर है? हाँ हाँ जी सर। सर। अब इसमें जहां पे दो नंबर लिखा हुआ है, ये फर्स्ट हाउस है, यहीं पे एएससी लिखा हुआ है असेंडेंट। ठीक है, ये कुंडली का सेकंड हाउस है, ये थर्ड हाउस, फोर्थ हाउस, फिफ्थ हाउस, सिक्स्थ हाउस, सेवन्थ हाउस, एट्थ हाउस, नाइन्थ, टेंथ, इलेवेंथ, ट्वेल्थ, ये 12 हाउस होते हैं, और जो इसमें नंबर लिखे हुए हैं ये राशियां होती हैं। तो जैसे यहाँ पे 2 नंबर लिखा है, तो यहाँ पर आपका टॉरस साइन आएगा, यानी वृषभ राशि आएगी। अगर यहाँ पे 1 नंबर लिखा है तो मेष लग्न की कुंडली है, अगर यहाँ पर 3 नंबर लिखा है तो जिम्नी यानी मिथुन लग्न की कुंडली है। ठीक है, तो इस तरह से आपके लग्न का जो डिफाइन है वो यहाँ पर लिखे हुए नंबर यानी जो राशि होती है वो करती है। और जो सबसे मेजर जो इम्पैक्ट पड़ता हुआ दिखाई देता है, जो इम्पैक्ट डालता है, जो आपका वास्तविक दुनिया में हमारा व्यक्तित्व निकल करके आता है, वो हमारा लग्न से ही देखते हैं। तो यहीं से हम इसको जज भी करते हैं, और जो इवेंट निकालते हैं वो भी, उसका भी रोल यहाँ पे सबसे ज्यादा होता है। अब यहाँ पर जो प्लैनेट्स हैं वो 12 प्लैनेट होते हैं, 12 राशियां होती हैं और 12 हाउस होते हैं। तो आपके प्लैनेट्स कौन कौन से होते हैं ये क्लियर है सतीश जी? आप बताएंगे प्लैनेट्स कौन कौन से होते हैं 12? जी हाँ, सन है, मरकरी है, सन है, मरकरी है, मार्स है। हेलो सर, हाँ बताएं। सन है, मरकरी है, मार्स है, मून है, राहु है, केतु है, जुपिटर है, ठीक जी है, सैटर्न है, जी वीनस है, जी नौ प्लैनेट हो गए हमारे। अब 3 प्लैनेट और कौन से होते हैं? एक नेपच्यून, प्लेटो, इनको हम लेते, वैसे तो इंडियन एस्ट्रोलॉजी में तो इसको ज्यादा यूज करते नहीं है, लेकिन ठीक है, आप बता रहे हैं, अच्छी बात है। तो नाड़ी एस्ट्रोलॉजी जो होती है, जिसको हम आज समझने वाले हैं, उसमें इसका यूज होता है, लेकिन कहाँ पे नॉडी यूज होता एस्ट्रोलॉजी है? और वैदिक एस्ट्रोलॉजी में अंतर क्या है? वैदिक एस्ट्रोलॉजी क्या होती है? अगर आपने वैदिक के शब्द कहा है तो प्लीज बताएं वैदिक एस्ट्रोलॉजी क्या होती है। सर वैदिक में हम लोग ने ये देखा है कि जो चार्ट्स में ग्रह जहाँ पे प्लैनेट्स बैठे होते हैं उसके अकॉर्डिंग कुछ अपना उसका कहाँ पे किस जगह पे क्या इम्पैक्ट आ रहा है उसके अकॉर्डिंग कुछ प्रिडिक्शन वगैरह दी तो उसको जाती है। वैदिक क्यों बोलते हैं? प्राचीन प्राचीन मतलब तरीके को इस्तेमाल किया जाता है इसलिए वैदिक बोलते हैं। नाड़ी को तो मैं इतना डीपली नहीं जानता हूँ इसलिए तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ। सर देखिए, एस्ट्रोलॉजी के कई रूट्स होते हैं, जिसमें
वैदिक एस्ट्रोलॉजी सभी होती है, सिर्फ वेस्टर्न को छोड़ करके। वेस्टर्न आज के अकॉर्डिंग जो हमारा ह्यूमन साइकोलॉजी डेवलप हो रही है और जिसके अकॉर्डिंग हम क्या फैसला लेने वाले हैं ये बताती है वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी, और ये टोटल रिसर्च पे आधारित है जो वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी है। और उसके बाद अगर आप बाकी कोई भी एस्ट्रोलॉजी की बात करें जो इंडिया में यूज होती है, यहाँ तक कि वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी का भी जो यूज होता है इंडिया में वो भी इंडियन तरीके से ही यूज होता है, प्योर वेस्टर्न तरीके से नहीं यूज होता है। तो जो हमारा सिस्टम है वो कोई भी सिस्टम हो उसमें आपका वेस्टर्न, नाड़ी, केपी, पराशर, ये सारे सिस्टम होते हैं, तो ये सभी वैदिक ही होते हैं। तो एस्ट्रोलॉजी तो वैदिक होती है। अब वैदिक क्यों होती है इसको मैं बताऊंगा अभी आपको कि वैदिक एस्ट्रोलॉजी क्यों बोला जाता है। ठीक है, अब इसके रूट्स अलग अलग होते हैं, सिस्टम अलग अलग डेवलप किया है, अलग अलग समय पे जैसे जैसे रिसर्च हुए हैं वैसे वैसे सिस्टम का डेवलपमेंट हुआ है, लेकिन प्योर जो रूट्स हैं वो आपके वैदिक ही हैं, वेदों से ही निकले हुए हैं। और चूंकि वैदिक इसीलिए बोला जाता है क्योंकि वैदिक वेदों से निकला हुआ ये ज्ञान है, ये कोई किसी व्यक्ति विशेष का नॉलेज नहीं है, तो इसलिए वैदिक एस्ट्रोलॉजी बोलते हैं, वैदिक सभी होती है। ठीक है, कुंडली समझ में आ गई? ठीक जी हाँ ठीक है, तो कुंडली तो कुंडली को इसी तरीके से देखते हैं और यही बेसिक है। अब इसमें बेसिक में धीरे धीरे करके आपको प्लेनेट के बारे में, साइन के बारे में, हाउस के बारे में, सभी चीजों के बारे में बताया जाता है। मैं यहाँ हाउस के बारे में थोड़ा सा जरूर बताऊंगा। अब क्लास को शुरू करते हैं और श्री गणेशाय नमः के साथ मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। आप आज एस्ट्रोलॉजी के जो है एडवांस कोर्स की बात कर रहे हैं, तो यहां पर एडवांस नाड़ी एस्ट्रोलॉजी में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं और अभिनंदन करता हूं। ठीक है, आप सभी का जो परिचय आप सभी ने दिया है और जिसने नहीं दिया है वो अगर देना चाहे तो जरूर दे दे। नव प्रभाकर जी नमस्कार, नमस्कार आप बेसिक एस्ट्रोलॉजी जानते हैं? हाँ थोड़ी बहुत जानता हूँ सर, बिल्कुल, ज्यादा नहीं। बहुत अच्छी बात है जयपुर राजस्थान से हूँ मैं। जी। रानी जी क्या आप बेसिक एस्ट्रोलॉजी जानती हैं? रानी जी आप मुझे सुन पा रही हैं? चलिए कोई बात नहीं। तो अब यहां पर मैं मुझे आप सब जानते हैं, मेरा परिचय है आप सभी से, या मैं अपना परिचय दे दूं? चलिए मैं दे दे देता हूं। दीजिए सर। हाँ, मेरा नाम सर्वेश केसरवानी है और मैं एस्ट्रोलॉजी के फील्ड में कई वर्षों से कार्यरत हूं, और मैं उन सभी गुरुओं को नमन करता हूं और उन सभी लोगों को भी नमन करता हूं जिन्होंने एस्ट्रोलॉजी के क्षेत्र में मेरा साथ दिया है। और इस विज्ञान के लगभग सभी क्षेत्रों का मैंने अध्ययन किया है, उसमें चाहे सिस्टम कोई भी हो, इसके अलावा वास्तु हो गया, हीलिंग हो गई, स्पिरिचुअल हीलिंग, और वास्तु में भी ट्रेडिशनल वास्तु और साइंटिफिक वास्तु दोनों पे काम करता हूं मैं। और इसके अलावा जो एस्ट्रोलॉजी है उस पे जो ह्यूमन साइकोलॉजी बेस्ड एस्ट्रोलॉजीज होती हैं उस पर भी मैं काम करता हूँ। तो आज मैं यहाँ पर आप सभी को नाड़ी एस्ट्रोलॉजी से इंट्रोड्यूस कराना चाहूँगा। अगर आप सभी में कोई नाड़ी एस्ट्रोलॉजी को नहीं जानता है तो आज जान जाएगा, और अगर आप एस्ट्रोलॉजी नाड़ी एस्ट्रोलॉजी के बारे में कुछ जानते हैं तो अपना एक्सपीरियंस मुझसे जरूर शेयर करें। अगर आप सब जानते हैं आप में से कोई भी तो जरूर बताएं। नाड़ी एस्ट्रोलॉजी आपने सुना है? ठीक जी हाँ सर, सुना हुआ है। है, तो किस मतलब क्या आपने क्या एक्सपीरियंस किया है या कुछ बताएंगे? नहीं सर, इसमें जो है ये एक्चुअली बीनन जो है ये भृगु नंदी नाड़ी है। दो ऋषि थे भृगु और नंदी, ये उनका ही उनके उनके द्वारा एक प्रदत्त ज्ञान है ना। जी और हमारे इंडिया जो में तो मिस्टर आरजी राव द्वारा जो है फिर इसको बताया गया आगे चलकर, है ठीक ना। है, सारा लिटरेचर जो है उनके द्वारा ही लिखा गया है यहाँ पर। ठीक है, बिल्कुल बाकी इसके अंदर हम ट्रेन ट्रेन पे से चलते हैं, ट्रेन देखते हैं, डायरेक्शन देखते हैं, और बहुत अच्छी विधा है ये एक अच्छी विधा है जो ज्योतिष की
वैदिक से भी इजी गोइंग है ये विधातु तो। ठीक है, तो काफी अच्छी जानकारी रखते हैं, मुझे सुनकर के बहुत अच्छा लगा। क्योंकि थैंक यू सर। अब यहाँ पर जो भृगुनंदी नाड़ी है, यहाँ पर मैं जिस नाड़ी की बात कर रहा हूँ ये थोड़ा सा और डेवलप है। भृगुनंदी नाड़ी में आपके 9 प्लेनेट यूज होते हैं, यहाँ पर 12 प्लेनेट यूज होते हैं। ठीक है, थैंक अब आपने पीछे देखा होगा कि एक प्रॉब्लम चली थी, एक कोविड-19 का आपने सुना होगा केस, तो भृगुनंदी नाड़ी से वहां पर पूरी तरीके से रिजल्ट नहीं निकल पाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो इवेंट्स होते हैं, बड़े इवेंट्स होते हैं जिसमें एक व्यक्ति नहीं अनेक व्यक्ति प्रभावित होते हैं, तो वहां पर ये जो प्लैनेट्स होते हैं, 3 प्लैनेट्स और यूरेनस नेपच्यून प्लूटो, इनका रोल होता है, तो वो हम आगे पढ़ेंगे इस चीज को। अभी यहाँ पर ये समझ लेते हैं कि आखिर जो नाड़ी एस्ट्रोलॉजी है उसका महत्व क्या है, क्यों इतना महत्वपूर्ण एस्ट्रोलॉजी है ये। पहली चीज तो इसे, जैसे मैंने बोला ना कि रिसर्च कर करके उसको रिफाइन किया जा रहा है। पहले के समय में जो आपका माता भूमि वाहन का जो होता था, तो उसमें वाहन को बैलगाड़ी लिया जाता था। आज के समय में स्कूटर भी नहीं आती, बाइक भी नहीं आती, आज के समय में सीधे कार या लग्जरी कार होती है। अब तो जो सेकेंड हैंड कार होती है उसकी भी बात नहीं आती है, वो भी आम आदमी के बिल्कुल मतलब लेवल पे आ चुका है। तो यहाँ पर जो लग्जरी गाड़ी होती है, जो फोर व्हीलर होती है, हम उसी को उसमें लेते हैं 4th हाउस में। तो इस तरह से जो समय के अकॉर्डिंग हमारा जो सिस्टम है वो भी डेवलप होता जा रहा है। तो यहाँ पर आपका जो प्रेडिक्शन है वो बहुत ही कम समय में यहाँ पर हम नाड़ी एस्ट्रोलॉजी से ले सकते हैं, और इसको सीखने के लिए बहुत ही कम समय की जरूरत है। बहुत ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं, बहुत ज्यादा इसमें फंसने की उलझने की जरूरत नहीं है। नाड़ी एस्ट्रोलॉजी अपने प्रिंसिपल और अपने रूल्स को फॉलो करते हुए यह अपना पूरा परिणाम देती है। भूषण जी कुछ बोल रहे हैं आप? भुवनेश जी कुछ कहना चाह रहे हैं? नहीं सर, मेरे को इस बारे में नहीं पता कुछ, तो क्या अच्छा, कहूंगा सर। ठीक है। तो अब नाड़ी एस्ट्रोलॉजी काफी हद तक लोगों के जीवन को बहुत ज्यादा प्रभावित करता है, क्योंकि बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड स्थिति से उसको बाहर निकाल लेता है। तो इस तरह से नाड़ी ज्योतिष जो है अपना महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है। कम समय में इसे सीखा जा सकता है और बहुत ही क्लियर इसका जो आंसर होता है वो आता है। अगर 4th और 5th क्लास का पढ़ा हुआ कोई भी व्यक्ति है तो वो नाड़ी एस्ट्रोलॉजी सीख सकता है। अब वेदों का अंग मैंने आपको बताया था, तो वेदों का अंग में देखिए, वेद के 6 अंग होते हैं, शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद और ज्योतिष। तो जो ज्योतिष है वो वेदों का 6ठा अंग होता है, और वेदों में इसे नेत्र का दर्जा दिया गया है। तो जिस प्रकार से हम अपने जीवन में जो नेत्रों द्वारा हम किसी दृश्य को देखते हैं, एनालाइज करते हैं, और सही रास्ता तलाश करने के लिए हमें देखने की जरूरत जरूर पड़ती है, तो इस प्रकार से हम ज्योतिष का भी यूज करते हैं, और हमें क्या देखना चाहिए और क्या बताना चाहिए इसका ज्ञान हमें जरूर होना चाहिए। अब आयुर्वेद में अगर देखा जाए तो आयुर्वेद में नाड़ी जो एक वैद्य होता है वो अपनी कलाई पकड़ता है और पूरे शरीर का जो प्रॉब्लम कहाँ पे है, क्या है, वो इस प्रकार से बहुत ही आसान तरीके से वो तुरंत बता देता है। और अगर श्वसन क्रिया में देखें तो ईड़ा और पिंगला नाड़ी का रोल बहुत ज्यादा होता है। भाई, ईड़ा पिंगला और सुषुम्ना नाड़ी, यही हमारे श्वसन क्रिया के लिए सबसे महत्वपूर्ण नाड़ियां होती हैं। तो इस प्रकार से अगर आप समझें तो नाड़ी का मतलब होता है, जो बहुत ही आसान सा मतलब है, वो सीधे प्रेडिक्शन से मतलब है। ये प्रेडिक्टिव एस्ट्रोलॉजी है, तो इसलिए नाड़ी एस्ट्रोलॉजी इज इक्वल टू प्रेडिक्टिव एस्ट्रोलॉजी। तो ये सबसे ज्यादा अच्छा प्रेडिक्शन देती है, इसलिए इसका इम्पोर्टेंट रोल बहुत ज्यादा होता है हमारे जीवन में। तो अब यहाँ पर अगर हम मेजर इवेंट की बात करें, तो लाइफ के अगर 3 मेजर इवेंट हम अगर आपसे पूछें तो आप बताना चाहेंगे लाइफ के 3 मेजर इवेंट जिसके लिए कुंडली का यूज सबसे ज्यादा होता है? शादी है, बच्चा है, दो दिया हमने। ठीक है, बिल्कुल सही। और कोई बताना चाहेगा? जॉब या बिजनेस? जी, और कोई? और कोई बताना चाहेगा?
हेल्थ भी एक बहुत बड़ा चैप्टर होता है। तो यहाँ पे आप लोगों ने बिल्कुल सही कहा कि मैरिज एक पॉइंट हो गया, और दूसरा जो इवेंट हो गया हमारा वो करियर हो गया, और तीसरा हमारा हेल्थ हो गया। तो हेल्थ, वेल्थ और करियर, सॉरी मैरिज, ये तीन जो इवेंट हैं वो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। तो हम अगर मैरिज की बात करें तो कुंडलियां तो सबके घरों से तभी निकलती हैं जब मैरिज की बात होती है, तो सबसे ज्यादा कुंडली तभी निकलती है। या कोई ऐसी बीमारी हो जाए जो लाइलाज बीमारी है जिसका डॉक्टर भी ना पता कर पाए, तब कुंडलियां निकलती हैं। या फिर हमारे जो रिलेशनशिप हैं उसके लिए निकलती हैं कुंडलियां। और अगर हम करियर में ग्रोथ नहीं कर पा रहे हैं तो भी कुंडली देखो निकलती है। तो तीन इवेंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल रखते हैं, और इनके लिए कुंडलियां सबसे ज्यादा मार्केट में आती हैं, और आप सभी के पास जो एस्ट्रोलॉजर बनेंगे उनके पास भी कुंडली सबसे ज्यादा है। तो यहाँ पर अगर आप जो है कोई एग्जाम्पल अगर लेना चाहें, तो यहाँ पर हम मैरिज का एग्जाम्पल ले लेते हैं। तो पहले मैं हाउस के बारे में आपको थोड़ा सा डिटेल कर दूं, क्योंकि जिसको हाउस के बारे में नहीं मालूम तो शायद नहीं समझ पाएगा। मैं चार्ट में शेयर कर देता हूँ। विजिबल है? ठीक जी है। अब इसमें देखिए, ये फर्स्ट हाउस है हमारा व्यक्तित्व जो बताता है, ये सेकंड हाउस है धन कुटुंब वाणी का होता है, थर्ड हाउस है हमारा सहज भाव का यानी हमारे छोटे भाई बहनों का, पड़ोसियों का, फोर्थ हाउस है हमारा सुख का है, वाहन का है जो व्हीकल्स होती है और जो प्रॉपर्टी होती है, फिफ्थ हाउस हमारे चाइल्ड बर्थ का हाउस होता है, सिक्स्थ हाउस जो सत्सम भाव है ये रोग रिपु और ऋण का होता है, अगर कर्ज लेना है तो इसी भाव से देखेंगे, जॉब के लिए हम इसी भाव भाव को यूज करते हैं, सेवेंथ हाउस हमारे पार्टनरशिप का होता है, हमारे लाइफ पार्टनर का होता है, एट्थ हाउस हमारे आयु का भाव होता है, हमारे ऑब्स्टेकल का भाव होता है, नाइन्थ हाउस भाग्य भाव होता है, और टेंथ हाउस हमारे नेम फेम पोजीशन हमारे कर्म का भाव होता है, इलेवेंथ हाउस हमारे गेन का भाव होता है, और ट्वेल्थ हाउस हमारे खर्च का भाव होता है, हॉस्पिटल का होता है, विदेश जाना हो तो उसका विदेश का घर होता है। तो इस तरह से ये सभी जो घर हैं प्लेनेट के अकॉर्डिंग ये अपना जो रिजल्ट है वो देते हैं। क्लियर है आप सभी को? जी हाँ सर, हाँ जी सर, इस पर अगर किसी का कोई क्वेश्चन हो तो जरूर पूछ लें, क्योंकि हाउस पता होना जरूरी है। अब कोई भी ग्रह है वो अपना परिणाम देता कैसे है, वो किस प्रकार से देता है?